हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं आप कैसे एडिटिंग एडिक्शन की तरह इस टाइप के वीडियोस एडिट कर सकते हो आपके फोन में। और इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एलाइट मोशन को। अगर आपके पास एलाइट मोशन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाके ज्वाइन भी कर लेना। उस पे आपको सीन पैक एंड मटेरियल्स वगैरह आपको मिल जाएगा, तो जाओ एंड सबसे पहले तो उसको ज्वाइन कर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करके प्लस पे जाके फिर दोबारा मीडिया पे जाके आप जो भी इमेज या वीडियो यूज़ करना चाहते हो उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट का लेंथ होगा उस हिसाब से आपको आपका जो वीडियो या फोटो आप ऐड कर रहे हो उसको रखना है। एंड बाकी का जो पार्ट होगा उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड का क्लिप रख के बाकी का पार्ट यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है। एंड प्लस पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है। वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी वर्ड होगा या पोस्टर जिस पे आप वीडियो या फोटो लगाना चाहते हो उसको अच्छे से कवर अप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो सेम टू सेम आपको ऐसे आप वेक्टर ड्राइंग से कर लेना है। आप शेप को मत लो, क्योंकि वेक्टर ड्राइंग से आप जो भी पोस्टर या फ्लैक्स पे कर रहे हो उसके साइज के हिसाब से आप अच्छे से कर सकते हो मैन्युअली। तो जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे आप वेक्टर ड्राइंग से कर लो। तो शेप बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं हाइड करके भी दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये जो पोस्टर है ये अच्छे से हमारे पोस्टर पे बैठ चुका है। तो इसके बाद आपको इसको लास्ट तक इम्पोर्ट कर लेना है। एंड इसके बाद अभी आपका जो मेन की फ्रेमिंग का काम है वो शुरू होने वाला है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो सबसे पहले एक की फ्रेम लगा के इसको लास्ट पे कर लो। एंड अभी क्या करना है, थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम लगाओ जहाँ पर आपका बोर्ड हिल रहा है उस पॉइंट पे आपको की फ्रेम लगा के आपका जो भी शेप है उसको आपके बोर्ड के हिसाब से ऊपर नीचे करना है। और अगर आपकी वीडियो में आपका जो पोस्टर है ये छोटा या बड़ा हो रहा है तो आपको की फ्रेम लगा के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं एडजस्ट करो सेम टू सेम आपको भी एडजस्ट करना है। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप के साथ जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। एंड ये ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद एडिट ग्रुप पे जाना है, शेप पे जाके ब्लेंडिंग पे जाके इसका मार्क को आपको सेकंड वाले इफेक्ट को ऑन कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक कर लेना है। एंड आपका जो बोर्ड होगा वो देख सकते हो यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है। तो इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर ग्रुप पे एडिट ग्रुप पे जाके शेप पे जाना है। एंड जाना है इफेक्ट पे, एड इफेक्ट पे जाना है। एंड यहाँ पर आपको एक इफेक्ट ऐड करना है फेदर। तो फेदर को आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। एंड इसको कर लेना है आपको 0.05। एंड इसके बाद नीचे वाला जो पॉइंट होगा इसको आपको 2 कर लेना है। इतना करके आपको इसको सिंपल सा बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है। एंड मीडिया पे जाने के बाद आप जो भी वीडियो या फोटो यूज़ करना चाहते हो फ्लैक्स पे उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको जूम करके एडजस्ट कर सकते हो, बट आप इसको बाद में करना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको होल्ड करके आपको क्या करना है, ग्रुप के नीचे लेके आ जाना है। एंड इसके बाद आप इसको अच्छे से आपका जो फ्लैक्स है या बोर्ड है उसके हिसाब से आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एंड इसके बाद इसको बैक कर लेना है। एंड बैक करके आपको जाना है वीडियो के इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे जाना है। एंड एक इफेक्ट आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है टाइल्स। तो आपको ऊपर सर्च कर सकते हो या आप खुद निकाल सकते हो। तो टाइल्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। एंड इसका मिरर को आपको ऑन कर लेना है। अभी ऑन कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर जो नल होगा उसको यहाँ पर ले लेना है। एंड इसके बाद आप चाहते हो तो आपका जो वीडियो होगा उसको थोड़ा सा जूम कर सकते हो। एंड जूम करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका नल होगा उसको आपको वीडियो के लास्ट तक इम्पोर्ट कर लेना है। एंड इम्पोर्ट करने के बाद आपको वीडियो की जो फ्लैक्स के कहीं पर भी आपको पॉइंट करना है। एंड उस पॉइंट के हिसाब से आपका वीडियो का पोस्टर अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर की फ्रेमिंग करना है। तो जैसे मैं की फ्रेमिंग कर रहा हूँ तो सेम आप भी करते जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा फ्लैक्स है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मुझे भी यहाँ पर जो हमारा मार्क होगा उसको भी थोड़ा ऊपर लेके चले जाना है। तो ऐसे करके आपको पूरा जो लाइन होगा उसको आपको की फ्रेमिंग कर लेना है। अगर नीचे जा रहा है तो नीचे करना है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर करना है। तो ऐसे करके आपको पूरा पार्ट को यहाँ पर की फ्रेम कर लेना है। तो की फ्रेम ऐड कर लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो नल होगा उसको आपको ग्रुप के नीचे जो आपका वीडियो होगा उसके ऊपर लेके आ जाना है। एंड इसके बाद आपको क्लिक करना है आपका जो वीडियो होगा ये वाली वीडियो,
तो जो आपने ऐड किया इस पर क्लिक करना है, जाना है ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आपको नल वन के साथ आपको इसको मर्ज कर लेना है। एंड मर्ज करने के बाद आपका जो ये वीडियो होगा ये अगर हिल रहा है तो आपका जो नीचे वाला वीडियो है वो भी उसी के साथ अच्छे से सिंक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, क्योंकि जो हमारा क्लिप है ये भी अच्छे से सिंक हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल लेना है एंड उसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है रेक्टेंगल पे क्लिक करके इफेक्ट पे, एंड इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐड इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट सर्च कर लेना है, कॉपी बैकग्राउंड एंड उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। इसके बाद दोबारा से आपको चले जाना है इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद आपको जाना है कलर एंड लाइट पे, एंड इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस एक इफेक्ट मिलेगा, उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेना है। एंड इसके बाद सेचुरेशन को आपको कर लेना है 77.5 तक, तो यहाँ पर आपको इंक्रीज कर लेना है। सेचुरेशन को 77.5 करने के बाद आपको इसको बैक कर लेना है। एंड इसके बाद आपको दोबारा से ऐड इफेक्ट पे जाना है। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद कलर एंड लाइट पे जाके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे ले लेना है। एंड इसके बाद ब्राइटनेस जो होगा उसको करना है आपको +5, एंड जो कॉन्ट्रास्ट होगा उसको करना है आपको +2। तो करने के बाद आपको यहाँ पर इसको बैक कर लेना है। इसके बाद दोबारा से चले जाना आपको ऐड इफेक्ट पे, फिर दोबारा कलर एंड लाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक्सपोजर एंड गामा, एंड एक्सपोजर को आपको यहाँ पर करना है -2 या -5 आप कर सकते हो। -5 कर लेने के बाद आपको उसको दोबारा से बैक कर लेना है। एंड इसके बाद दोबारा से चले जाना है आपको इफेक्ट पे, इफेक्ट पे जाने के बाद अब जाना है ब्लर पे, ब्लर पे जाके शार्पन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे। एंड इसके बाद जो शार्पन होगा वो 1 रहेगा, तो आपको क्या करना है उसको 50 कर लेना है। तो आपको इसको कर लेना है 50 एडजस्ट करके, तो शार्पन को यहाँ पर 50 करने के बाद आप इसको बैक कर लेना है। एंड बैक करने के बाद आपको जो हमारा रेक्टेंगल होगा उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंड वीडियो के लास्ट तक आपको इसको इम्पोर्ट कर लेना है। ना करने के बाद अभी आप इसको हाइड करके भी देख सकते हो ये नॉर्मल, एंड ये इफेक्ट लगाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई अच्छा सीसी है तो आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करके आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना था कि आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट कर देना आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे ट्यूटोरियल चाहिए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उस पे आपको सीन पैक एंड मटेरियल वगैरह सब मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ एंड ज्वाइन करो।